दानवीर भामाशाह जयंती को साहू सम्मान दिवस के रूप में मनाया गया। दिनांक 23 अप्रैल 2022 दिन शनिवार को भामाशाह जयंती के अवसर पर राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के द्वारा तेली महाजुटान चलो एग्रिको मैदान कार्यक्रम संपन्न हुआ। भामाशाह जयंती को साहू सम्मान दिवस के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम की शुरुआत में सभी अतिथियों ने भामाशाह की प्रतिमा पर संयुक्त रूप से माल्यार्पण पुष्प अर्पित एवं दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम की शुरुआत किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन के प्रदेश अध्यक्ष सुनील साहू जी उपस्थित हुए। सम्मानित अतिथि महिला प्रदेश अध्यक्षा प्रियंका साहू जी उपस्थित हुए। सभी अतिथियों का कमेटी के सदस्यों ने बारी बारी से पगड़ी पहनाकर एवं अंग वस्त्र उड़ाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से साहू समाज के लोगों को एकजुटता का आह्वान किया गया। सामंती मनुवादी प्रवृत्ति के लोगों द्वारा समाज के सम्मानित सदस्य एवं झारखंड सरकार के पूर्व कृषि मंत्री श्री योगेंद्र साहू एवं उनकी पत्नी श्रीमती निर्मला देवी को झूठे मुकदमे में फंसाकर उनको सजा दिलाने का जो काम किया गया है उसके विरुद्ध समाज के सदस्यों द्वारा निंदा प्रस्ताव पारित किया गया। समाज के वरिष्ठ नेता एवं प्रदेश कार्य समिति सदस्य मनोज गुप्ता ने तिलेश्वर साहू की हत्या की CBI जाँच कराने की मांग किया। समाज के वरिष्ठ नेता राजकिशोर प्रसाद ने झारखंड सरकार द्वारा किए गए वादे के अनुसार OBC समाज को 27% आरक्षण देने की मांग किया। शशिकांत महाराज एवं धर्मेंद्र जी ने मंच का संचालन किया। समाज में दहेज मुक्त विवाह करने का संदेश दिया गया जिससे समाज की उन्नति हो। लड़कियों को शिक्षित करने का संदेश दिया गया। समाज के सदस्य जब तक एकजुट नहीं होंगे समाज का उत्थान संभव नहीं है। कमेटी के सदस्यों द्वारा समाज के बुजुर्गों एवं सम्मानित सदस्यों को शॉल एवं अंग वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम को सफल बनाने में जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम के सभी क्षेत्र से आए हुए समाज के सदस्य शामिल हुए। सभी प्रखंड थाना क्षेत्रीय कमेटी के सदस्यों ने कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना बहुमूल्य योगदान दिया। समाज के सम्मानित सदस्यों के सहयोग से यह कार्यक्रम सफल हो सका। इसमें समाज के सभी सदस्यों का बड़ा ही योगदान है। समाज के सदस्यों ने कार्यक्रम के अंत में भामाशाह का भोग ग्रहण किया एवं हजारों हजार की संख्या में एग्रिको ट्रांसपोर्ट मैदान में उपस्थित होकर कार्यक्रम को सफल बनाने में अपना योगदान दिया। कार्यक्रम को सफल बनाने में मुख्य रूप से विनय कुमार गुप्ता, श्री कृष्ण साहू, श्री भोला साहू, श्री पिंटू साव, श्री संजय साव, श्री रंजीत साव, कुंदन लाल, श्याम साहू, चंडीचरण साहू, नागेंद्र साहू, कृष्णा साहू, विनय साहू, भोला साहू, दिलीप साहू, दिलीप कुमार गुप्ता, अजय साव, मिंटू साविरूत, सरवन गोराय, भोली साह, दिलीप साहू, सरवन कुमार साहू, शांति देवी, इंदु देवी, बिंदु देवी, शोभा गुप्ता, रीमा साहू, श्याम शाह, जयशंकर साह, हरेंद्र साह, दीपक कुमार, राजकुमार कामता साहू, त्रिवेणी साहू, छोटू साहू तथा कई लोगों का सहयोग रहा। झारखंड प्रभारी रंजीत गुप्ता की रिपोर्ट। आज हम लोग महादानवीर भामाशाह जी का जन्म जयंती दिवस मना रहे हैं। एग्रिको मैदान तेली महाजुटान चलो एग्रिको मैदान का विजन के साथ हम लोग आज इस भीषण गर्मी में हम लोग यहाँ पर कार्यक्रम उनका मना रहे हैं। और इस जयंती के उपलक्ष्य पर इस जयंती के समारोह के माध्यम से राज्य सरकार तक हमारी बात पहुँचाने के भी रूपरेखा है। क्या आज हमारे समाज के लोग जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। आज हमारे समाज के लोगों का बच्चों का OBC प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है। आज हमारे समाज के लोग मेहनत करते हैं, मजदूरी करते हैं, लेकिन उनको मेहनताना सरकार के द्वारा नहीं मिलता है। मतलब कि आज जो हम टैक्स देते हैं उस टैक्स का जो टैक्स हम बनिया समाज के लोग जो देते हैं उस टैक्स का भरपूर हमारे बच्चों का जो पीछे खड़े हैं नौजवान साथी पूरे हमारे समाज के लोग इनको उसका लाभ नहीं मिलता है। 27% आरक्षण झारखंड सरकार भारत सरकार लागू कर रखा है लेकिन आज झारखंड में हमारे 27% आरक्षण लागू नहीं है। उसके चलते हमारे कितने हजार बच्चे वंचित हैं। इस जिला में जिला पूर्वी सिंहभूम की अगर हम बात करें तो जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रही है। जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए खतियान की मांग की जा रही है। खतियान नहीं है तो जाति नहीं मिलेगा। आज हम लोग तेली जाति से आते हैं इसका प्रमाण देने के लिए खतियान चाहिए। खतियान नहीं है। अब वोट लेते वक्त में
खतियान क्यों नहीं खोजती है सरकार, हमारा जो वोट लेते हैं उस समय सरकार क्यों नहीं खतियान खोजती है। इसलिए आज से चेत जाए सरकार कि वोट अब तभी मिलेगा जब हमारा खतियान में नाम होगा, तभी वोट देंगे, और नहीं तो समाज के लोगों का ओबीसी प्रमाण पत्र। आज आप लोगों ने कुछ लोगों को सम्मानित भी किया है, कैसे लोगों को सम्मानित किया है और क्या संकल्प ले रहे हैं आज आप लोग? संकल्प है 5, आज इस मंच पे 5 संकल्प ले रहे हैं। अपने समाज के गरीब बेटी, गरीब बच्चों, गरीब बेटी की दहेज मुक्त शादी करना समाज के द्वारा हम लोग करवाएंगे, पहला है। दूसरा, जो पढ़ने में बच्चे तेज हैं या कमजोर हैं वैसे बच्चों को समाज के द्वारा प्रोडक्शन करना, मेहनत करना कि आप आगे बढ़ो, बच्चों को देंगे हम लोग, सहयोग करेंगे। तीसरा है कि जो परिवार हमारा कमजोर है, जिस परिवार के ऊपर में शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, उसको हमारे समाज के लोग मजबूत करेंगे, उसके साथ हम लोग खड़ा होने का काम करेंगे। इन 3-4 विषय को लेकर के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं समाज को। लेकिन समाज ही आपका खुद दो भाग में बटा हुआ है, पहले एक साथ आप लोग मनाते थे, आज जगह जगह मना रहे, क्यों, आखिर में कारण क्या? समाज दो भाग में नहीं बटा हुआ, समाज के कुछ लोग हैं जो सेल्फिश है, वो अपने पार्टी विषय पे समाज को ले जाना चाहते हैं। तो समाज किसी बाप की पार्टी नहीं है, समाज जो है हमारा समाज समाज है, समाज में ये कोई पार्टी विषय पार्टी समाज नहीं चलता है, समाज से पार्टी चलती है। जो समाज को पूछेगा, जो समाज को देखेगा, समाज उस दल को देखेगा। पूरा नाम बता दीजिएगा। नाम मनोज गुप्ता, राष्ट्रीय तेली साहू महासभा, प्रदेश कार्यकारी समिति सदस्य। राष्ट्रीय तेली साहू महासंगठन पूर्वी सिंहभूम जिला के तत्वावधान में आज 23 अप्रैल को देशभक्त दानवीर भामा साहब की जयंती मनाई जा रही है, जिसकी अध्यक्षता हमारे सम्मानित जिलाध्यक्ष चंडी चरण साहू जी कर रहे हैं, और संचालन हमारे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य श्री मनोज गुप्ता जी कर रहे हैं। इस अवसर पर तेली समाज के कई गांव से चलकर, टोले मोहल्ले से चलकर भारी संख्या में लोग आए हैं, भाई बहन लोग आए हैं, और आज इस जयंती के अवसर पर मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते सरकार से मांग करता हूँ कि दानवीर भामा साहब जी के जन्म दिवस को सरकारी अवकाश घोषित किया जाए, क्योंकि इस हिंदुस्तान के धरती पर दानवीर भामा साहब जैसे महापुरुष बहुत कम ही जन्म लिया है। तो ऐसे महापुरुषों के सम्मान में सरकार का दायित्व बनता है, सरकार का फर्ज बनता है कि ऐसे महापुरुषों के सम्मान में इनके जन्म दिवस के अवसर पर सरकारी अवकाश घोषित किया जाए। और वैसे तो दानवीर भामा साहब जी का जन्म दिवस 29 अप्रैल को है, एक अलग बात है कि पूर्वी सिंहभूम जिला के लोग आज ही जयंती मना रहे हैं, लेकिन उनका जन्म दिवस 29 अप्रैल 1547 को है। और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में 23 अप्रैल को जयंती नहीं मनाकर 29 अप्रैल को लोग मनाएंगे, और भामा साहब जी इस देश के लिए अपना सब कुछ त्याग किया है, सब कुछ त्याग किया है, इसीलिए सरकार भी इन महापुरुषों को सम्मान करे। जहाँ तक तेली समाज की बात है तो तेली समाज चहुमुखी उपेक्षा का शिकार है, चहुमुखी शोषण का शिकार है, आए दिन तेली समाज के लोगों के साथ अप्रिय घटनाएं घटती रहती हैं, जुर्म ज्यादती होते रहते हैं। तो इसके लिए इस जयंती समारोह के अवसर पर तेली समाज में